ओए तेरे को सेतुत खाना है क्या? जल्दी से आ जा, चलना हो तो खाना हो तो। कही कही रो? हाँ तो ही खाई ले। हाँ मुझे खाना है सेतु, जल्दी से वरना सब खत्म हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी तो फिर क्या खाऊंगा मैं। मुझे जल्दी से जाना चाहिए और खाना चाहिए सेतु का पौधा फल। ओए जल्दी कर ले, फटाफट निकल रहा है, जल्दी से वरना सूख जाएगी सारे के सारे। गर्मी बहुत लग रही है, बहुत दिनों के पके हुए, अपने को याद नहीं रहा कि यार खाना भी है कि नहीं खाना है। जल्दी से चल ले भाई यार, वरना सब सूख जाएंगे और नीचे गिर जाएंगे, फिर क्या खाएगा। लेट्स गो। तो चलिए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको सेतूत के पौधे के पास में जाकर के किस तरह से सेतूत के पौधे को फल आया हुआ है और कैसे टेस्टी होते हैं और कैसे लगते हैं वो और कैसे दिखते हैं। तो ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और मैं अभी यहाँ बगीचा पिला रहा हूँ तो मुझे याद आ गया कि नहीं यार मुझे दिखाना चाहिए वो फल जो है, वे वजह वेस्ट हो जाएंगे। बहुत दिनों बाद मुझे याद आया है, कई दिनों से पक रहे हैं वो, तो चलते हैं और खाते हैं कैसे लग रहे हैं देखे। लेट्स गो। हाय दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो अलग टाइप का है थोड़ा सा। मैं बगीचा पिला रहा हूँ उधर और मुझे याद आया कि नहीं यार अभी फल पकने वाला है। तो ये सेतूत का पौधा है, यहाँ पर मैं आ गया हूँ और ये बहुत ज़बरदस्त फल लगे हुए हैं। इसको सेतूत बोलते हैं, इसको इससे कीट रेशम भी बनाया जाता है कीट पालन करके। और इसको फल जो आता है वो भी बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है, विटामिन और मिनरल से भरपूर, तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो मैं आपको खाते हुए दिखाऊंगा और इस पौधे को मैं आपको बिल्कुल सेतूत को पास में आकर के भी दिखाऊंगा ला करके कि किस तरह के सेतूत होते हैं और उससे कितने टेस्टी जो है लगते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी तरह से सेतूत के पौधे से जो रस मेरे मुँह के अंदर जाएगा और जो फीलिंग सामने प्रकट होकर आएगी ना वो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सेतूत के पौधे के और पास चलते हैं और खाना शुरू करते हैं। और अगर आपको भी खाना हो तो आप खा सकते हैं यहाँ आकर, या अपने पास में कहीं सेतूत हो तो खा सकते हैं, क्योंकि अभी सेतूत के पौधे जो है वो फूल आने के बाद फल रहे हैं, तो फल उनको आ चुका है और पक चुका है। तो अब अपन चलते हैं और खाते हैं। चलिए, नीचे भी बहुत सारी पड़ी हुई है लेकिन मैं ऊपर की ताज़ा ताज़ा खाने वाला हूँ। ये वाली देखिए, आय हाय 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 हाय, मैं दिखाता हूँ आपको, पास में ले जाकर दिखाता हूँ। ये देखिए काली काली किस तरह की है, एकदम से जामुनी कलर, ब्लैक और थोड़ा सा देखिए कितना इंटरेस्टिंग कलर, एकदम झकास। बिल्कुल काली खाएंगे ना, जो काली बन जाती है एकदम से, इतनी स्वादिष्ट, पौष्टिक। अभी ये लाल वाली है इसको नहीं खाना है, बिल्कुल जो काली हो गई एकदम से ब्लैक, एकदम ब्लैक हो गई ना उसको खाना है। तो इधर नीचे बहुत सारी पड़ गई, बहुत दिन हो गए पके हुए, लेकिन मुझे बहुत दिनों बाद याद आया कि यार अपने पास ऐसी जगह है जहाँ पर, आय हाय ये खड़ी है। तो यहाँ ये थोड़ा नींबू का पौधा भी है और ये नींबू का पौधा हमको खाने में प्रॉब्लम खड़ी करेगा, तो मैं ऐसे अंदर घुसेड़ के कैमरा दिखाता हूँ आपको। आ मज़ा आ गया, आय हाय हाय हाय, कांटा लग गया रे। होठों पे तो ऐसे हो जाता है जैसे कोई लाली लगी हो। ए, ए। इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो लोग खून की कमी से जूझ रहे हैं ना उनको खाना चाहिए, सीजनेबल फूड होता है। और अभी सीजनेबल फूड है, ये ख़त्म हो जा रहा है, फिर नहीं मिलने वाला। थोड़ी डाली खींच के नीचे की तरफ लाते हैं और फिर खाते हैं। देखिए, आय हाय, बहुत टेस्टी है। ज़्यादा एक एक ही खाना पड़ता है क्योंकि थोड़ा झंझट रहता है, नीचे गिर जाएगी, ऊपर बहुत है, ऊपर चढ़ नहीं सकते, तो थोड़ा झंझट देते हैं, गिर जाएगी। अभी यहाँ देखो, मैं दिखाता हूँ आपको, ये बहुत सारी लगी हुई है, ये बहुत
बहुत सारी लगी हुई है इधर ऊपर की तरफ, पर यहाँ हाथ नहीं पहुँच पा रहा है तो थोड़ा ऐसे ही गिरा देते हैं। गिरती नहीं है यार, हवा से गिरती है, लेकिन नीचे गिरने के बाद क्या होता है कि इसके फल पे कवर नहीं होता है। जनरल अवेयरनेस के लिए मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको इसके बारे में कि ये बिना चमड़ी वाला फल है और बिना बीज वाला फल है, इसमें बीज नहीं होते। एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, ये बीज नहीं होते हैं प्रकृति के। अनुपम अनेक भंडारों में से एक, औषधि भंडारों में से एक ये भी है जिसके बीज नहीं होते हैं और एक जगह से पौधे की डाली लाके दूसरी जगह लगाई जाती है और वो जो पौधा है वो विकसित हो जाता है और हमको इस तरह से फल मिलने लगते हैं। तो ये पौधा मैं कई और जगह से लाया था और यहाँ पे मैंने इसको लगाया था 4-5 साल पहले, आज की बात नहीं है। हर साल ही मैं खाता हूँ इसके फल, लेकिन इस बार मुझे पता नहीं चला। मैं सोचा कि यार ये अपने यार लगा तो रखा है अपने पौधा, लेकिन पता नहीं मैं तो भूल गया। फिर वो जो रोड के पास में कुछ लोग इसी, अभी हमारे यहाँ पर रोड का काम चल रहा है तो वहाँ पे एक पौधा खड़ा है रोड के पास में, वहाँ पे वो लोग तोड़ रहे थे तो मुझे मैं ये पौधा याद आ गया कि यार अपनों ने भी लगा रखा है और अपन खा ही नहीं रहे, बेवजह वेस्ट चला जाएगा। तो फिर मुझे याद आ गया और मैं इसके पास आ गया हूँ और अब मैं थोड़ा और नीचे ला के खा लेता हूँ। मैं दिखाता हूँ आपको मैं नीचे की तरफ, अरे यार सब गिर गए। ये ऐसे हाथ लगाते ना तो नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने के बाद तो मिट्टी में मिल जाता है, कुछ कंकर वगैरह लग जाते तो खाने का मज़ा नहीं आता। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं इसके अलावा। तो ये थोड़ा इधर देखते हैं, इधर होगा। तो ये डंडी वाला पौधा है, इसको मतलब आपको कहीं से बीज नहीं होते इसके, इसकी डंडी चलती है, कलम चलती है इसकी, कलम भी नहीं बनानी पड़ती है, सीधे काट के और ज़मीन में रोप दीजिए चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा माथा पच्ची करनी पड़ेगी, कुछ नहीं थोड़ा गंगेर देते हैं गिर जाएगा थोड़ा बहुत, बहुत सारे गिर गए। अब आराम से बहन के खाओ, पत्ते हैं यहाँ पे वैसे ज़्यादा मिट्टी नहीं है तो सुरक्षित है, वो तो सीधी मिट्टी होती ना तो मिट्टी में गड़ जाते हैं, फिर मज़ा नहीं आता, फिर तो मिट्टी के हवाले हो जाते हैं और कुड़ुक 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 कुड़ुक, आय हाय हाय हाय, अच्छा खासा था सब गिर गया। आया दिखाता हूँ, रस भरी आह, और तो ऐसे हो जाते जैसे कोई लगा रखा हो, लेपन लगा रखा हो कॉस्मेटिक। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, होठ तो ऐसे हो जाते एकदम से जैसे कोई किसिंग पॉइंट हो गया हो। फल बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत स्वादिष्ट है, पौष्टिक है, सारे के सारे मिनरल्स इसमें उपलब्ध है, जितना पास में है वो तो खा ही लेते हैं। दूर कर रहे वही गिर गया है, किसी और के नसीब में था, बारिश में लगाना पड़ता है इसकी डंडी यहाँ से काट के, इतनी सी बड़ी बारिश में लगा दो कहीं पर भी चल जाता है, बहुत ज़बरदस्त फल है। और जैसे ये सीजन आती है वो इतने सारे फल लगते हैं, इसको देखो आप इतने सारे फल लग रहे हैं इसको, बहुत मीठा है, बहुत मीठा, इसमें शुगर फ्री होता है ये
शुगर शक्कर जो बनाई जाती है ना, वो आपको पता है किस तरह के रासायनिक कंपोनेंट मिला के बनाई जाती है। और इसमें क्या है, नेचुरल शुगर है जो आपको कोई भी तकलीफ नहीं देती है। ये सारी हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब करने वाली होती है, इसमें किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट और ये चीज़ें नहीं होती है। ये हमारी बॉडी को पूरी एनर्जी देने वाली होती है और लाभदायक भी होती है। तो दोस्तों ये था हमारा सेतूत के पौधे का व्लॉग, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें। बीच बीच में मैंने कुछ जनरल नॉलेज के प्रश्न भी बता दिए इससे रिलेटेड, कि इससे रेशम बनता है और बिना चमड़ी वाला पौधा इससे फल आते हैं और इसमें बीज नहीं होते हैं, ये सारे प्रश्न मैंने आपको बताए। उसके लिए आपको कैसा लगा ये वीडियो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन ऊपर का आएगा उसको प्रेस कर देता कि अगला वीडियो में इस तरह का डालूंगा, अपलोड करूंगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। क्योंकि मैं इस तरह के एग्रीकल्चर पे जब काम करने आता हूँ, खेत पे, कुएं पे, कहीं पर भी एग्रीकल्चर का काम जब मैं संपादित करता हूँ, वर्क करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, तो मैं इस वीडियो बनाते ही रहता हूँ और आपको नई नई जानकारी भी मिलती रहती है वीडियो के माध्यम से। तो इसमें 2-3 प्रश्नों के उत्तर आपको मिले हैं और आगे भी इस तरह के वीडियो बनाऊँगा, उनमें भी कोई प्रश्न आएंगे तो मैं बताऊँगा आपको, मुझे जो याद होंगे वो। आप भी कोशिश कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, देखते रहिए और ख़ुद का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, योग कीजिए, हेल्दी फूड खाइए और अपने शरीर को ज़्यादा दिन तक चल सके, ज़्यादा दिन तक इस दुनिया में उपलब्ध रह सके, आप ऐसा करते चले जाइए दोस्तों, और कुछ है नहीं है। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।